मुझसे उन्होंने कहा है कि आप जो है इस्तीफा दें, वरना आप अपना अंजाम सोच लें। इसमें उन्होंने चार बिंदु इसमें बुनियादी हैं। एक बिंदु उनका यह है कि आप प्राण प्रतिष्ठा में क्यों गए, आप चीफ इमाम हैं, आपको जाने का अधिकार ही नहीं है, आप इसलिए आप पर कुफ्र का फतवा जारी होता है। दूसरा बिंदु उन्होंने ये दिया है कि आपने इंसानियत को धर्म से ऊपर कर दिया है, ये आपका गुनाह है, इसलिए आप पर फतवा जारी होता है। तीसरा गुनाह यह है कि आपने धर्म से ऊपर उठकर आपने कहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, देश को आपने ऊपर बना दिया है, इसलिए आप भी इस फतवे के लिहाज से आप खारिज हो गए, लिहाजा अब आप पर कुफ्र का फतवा जारी कर दिया गया है और तमाम अलग अलग जो उसकी सजाएं हैं इसमें मुकर्रर कर दी गई। लेकिन मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूं, पहली बात तो ये इस्लामिक देश नहीं है, ये भारत है, ये सनातन भारत है। इस भारत में हमेशा से सर्वधर्म संभाव की बात है, यहां एकता अखंडता की बात है, अनेकता में एकता की बात है। अगर उनको मेरे इस पैगाम मोहब्बत से तकलीफ है, मेरा विरोध कर रहे हैं, तो उनको मुझे लगता है कि अगर मैं राष्ट्र के साथ देश के साथ अगर प्रेम कर रहा हूं, मेरा ये दोष है कि मैं अपने देश से प्रेम करता हूं, मेरा इसलिए विरोध कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए।